देखिए, 27 तारीख को पुलिस थाना सदर के अंतर्गत एक FIR रजिस्टर हुई थी 179/23, जिसमें 45 पेटियां शराब की जो है VRV फूड्स संतरा मार्क शराब, जो देसी शराब है, उसकी पेटियां जो है पकड़ी गई थी एक बुलेरो पिकअप से। उसमें दो एक्यूज्ड मोहित राजपूत जो ऊना के रहने वाले हैं और अश्विनी कुमार जो नंगल के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस ने पकड़ा था। इनकी जब इंटेरोगेशन की गई पुलिस द्वारा, तो इन्होंने एक व्यक्ति गौरव मिन्हास नामक व्यक्ति का जो है, जो कांगड़ा के रहने वाले हैं, उनका नाम लिया था कि उनसे इन्होंने ये शराब जो है वो खरीदी है। उसके चलते ये गौरव मिन्हास जो व्यक्ति है, इसका नाम मंडी में एक हादसा हुआ था, एक FIR रजिस्टर थी जिसमें कुछ लोगों की जानें जहरीली शराब पीने से चली गई थी, तो उसका नाम वहाँ पे आया था। तो इसके बाद हमने ये शराब की बोतल को जो है, इसके ऊपर लगे हुए लेबल और इसके ऊपर लगा हुआ QR कोड, उसको हमने एक्साइज डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स द्वारा चेक करवाया। तो उन्होंने चेक करने पे ये हमको इन्फॉर्मेशन दी कि ये दोनों जो हैं ये गलत हैं और नकली हैं। उसके बाद हमने इनकी जब फर्दर और इंटेरोगेशन की, तो हमें पता चला कि ये इन्होंने और भी कहीं कुछ जगहों पे, हरोली, ऊना और मैथपुर एरिया में जो है, कहीं ना कहीं कुछ और पेटियां भी इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं पहले। ये हमको एक मैथपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम है, वहाँ पे भी हमको लेके गए, जहाँ पे जब उनको विटनेसेस के साथ पुलिस टीम ने खोला, तो उसमें 375 बॉक्सेस, जिसमें 12 बोतलें 750 ml की पाई गई, इसी तरह की वहाँ पे पाई गई, उसको भी पुलिस ने कब्जे में लिया। साथ ही साथ जो लेबल्स और QR कोड्स वगैरह जो होते हैं, वो भी वहाँ पे जले हुए मिले, वो उनको भी पुलिस ने कब्ज़े में लिया। RFSL की टीम जो है वो मौके पे गई और उन्होंने चेक किया, हमारी पुलिस टीम ने उसको चेक किया और अपने कब्ज़े में लिया है। तो सर, क्या कुछ ऐसे भी खुलासे हुए हैं कि इससे पहले भी इस तरह की खेप जो है वो शराब की काटी गई होगी? देखिए, इस चीज़ को अभी तक जितनी हमने 350 पेटी जो मैंने बताया, 375 पेटी जो हमने एडिशनल पकड़ी है, जो आपको मैंने बताया, उससे ये प्रतीत हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन से भी, ये इंटरोगेशन से भी एक्यूज्ड की ये हमको जानने में आया है कि हो सकता है कि ये शराब की बोतलें जो हैं बाकी जगह भी बेची गई हों, डिस्ट्रीब्यूट की गई हों। ये किस तरह की क्वालिटी की शराब है इसके अंदर, उसको भी वेरीफाई करने के लिए जो है FSL को हमको ये भेजना पड़ेगा। पर इसके बाहर लगे हुए लेबल, वो एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा हम कंफर्म कर चुके हैं कि ये नकली हैं, और इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच में जो असली शराब है और जो नकली शराब है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों के बीच में ये क्लियर डिफरेंस है, ये एक असली लेबल है और ये एक नकली लेबल है। जो ये असली लेबल है, इसको और इसको, इसमें ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, पर फिर भी जैसे पत्तों का रंग अगर आप देखेंगे तो दोनों में फ़र्क है। साथ ही साथ यहाँ पे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव का एक लिखा हुआ है, उसमें ड्रिंक की स्पेलिंग जो है इस वाले कागज़ में गलत है। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये नकली शराब, नकली बोतल है, उसको जो है उसका सेवन ना किया जाए, और अगर ऐसा होता है तो एक्साइज डिपार्टमेंट से उसको कन्फर्म कर लें। सर, जिस गोडाउन से 375 पेटी पकड़ी गई है, वहां पर कुछ एक ड्रम भी पकड़े गए हैं, तो क्या पुलिस को ऐसी भी आशंका है कि यहीं पे इस शराब की पैकिंग की गई है? देखिए, अभी RFSL की रिपोर्ट जो है वो आनी है, शेष है। हालांकि RFSL की टीम वहाँ पे विजिट करके गई और उन्होंने इस पूरे मामले की गहनता से चेकिंग की, वहाँ पे जांच की, और जिस तरह से ही जैसे कोई फैक्ट्स हमारे पास आते हैं, ये कहाँ मैन्युफैक्चर होती थी, कहाँ इसकी पैकिंग होती थी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो अभी शेष है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ गौरव मिन्हास जिनका नाम इसमें आया है, वो अपने जो एड्रेस है उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं पाए गए, हमारी पुलिस टीम वहाँ पे गई थी। ये हाईकोर्ट की बेल द्वारा दी गई बेल पे अभी जमानत पे हैं, और अभी तक हमारे को ये ट्रैक ट्रैक नहीं हो पाए हैं, और उसके ऊपर पुलिस टीम हमारा काम कर रही है। फर्दर क्या इसमें खुलासे होंगे, उनके थ्रू होगा। सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जा सकता है कि मंडी जो हादसे में जितने भी आरोपी थे, कि वही गिरोह जो है वो एक बार फिर से सक्रिय हुआ है? देखिए, अभी तक तो एक ही व्यक्ति का नाम आया है, आगे फर्दर इसमें कौन क्या एसोसिएटेड है, उसके खुलासे तो है अभी धीरे इन्वेस्टिगेशन में फर्दर होंगे। बट जैसे मैंने कहा कि इससे पहले कि एक बड़ा हादसा हो, या हमने ये शराब जो है ये पकड़ी है, और आपके माध्यम से लोगों को भी हम बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की शराब का सेवन ना करें। अगर कोई भी डाउट हो या किसी शराब का ठेका किसी के पास हो, तो वो चेक कर ले कि इस तरह की शराब उनके यहाँ पे ना हो, और उसको इमीडिएटली एक्साइज डिपार्टमेंट से वेरीफाई कराए। एक्साइज डिपार्टमेंट को भी हमने ये चिट्ठी लिखी है कि इस तरह की हमारे यहाँ पे अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है, और उस पर फर्दर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करें।